अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी कि हमारे पास एक जो उसका पार्ट था उसमें ये था कि अगर हमारे पास कॉस एन थीटा या साइन एन थीटा या दिया हो तो उसको हमने सीरीज वाले फॉर्म में कैसे लिखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल एग्जांपल नंबर 8, उसमें वही एप्लीकेशन जो है वो हमने अप्लाई करके फाइंड आउट करनी है। जो जैसे कॉस 5 थीटा दिया हुआ या साइन 5 थीटा दिया हुआ, उसको हमने सीरीज ऑफ कॉस और साइन वाली फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है उसका सोल्यूशन है कॉस 5 थीटा और साइन 5 थीटा। वहाँ पे भी जब हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, पहले हम कंबाइंड फॉर्म में उसको फाइंड आउट कर रहे थे। फाइंड आउट करने के बाद फिर हम क्या करते थे, जिस पार्ट में हमारे पास आयोटा था उसको सेपरेट कर लेते थे लेफ्ट और राइट से, और जिसमें आयोटा नहीं था उसको लेफ्ट और राइट से सेपरेट कर लेते थे। इस तरह से हमारे पास कॉस 5 थीटा और साइन 5 थीटा की वैल्यू आ जाती थी। अब यहाँ पे हमारे पास है कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हमारे पास थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास पावर होती है वो थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो थीटा के साथ नंबर, अगर दोनों के साथ नंबर सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम पावर वाली फॉर्म में डी मॉर्गन थ्योरम से इस तरह से ऊपर सेपरेट कर सकते हैं पावर को, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी टू रेज पावर एन, यही हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन बन जाएगी। जहाँ मैंने आपको बताया था कि एन जीरो होता है, एन सी जीरो होता है, एन सी वन होता है, एन सी टू होता है, लास्ट में जाके एन सी एन होता है, वही वाली है जो हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन है वही यूज होनी है। जो हमारे पास फर्स्ट है ये ए है, उसकी पावर्स हमारे पास मैक्सिमम पावर से जीरो तक डिक्रीज होंगी, और जो हमारे पास सेकंड वाला ये बी वाला जो पार्ट है ए प्लस बी में, उसकी पावर जो है वो जीरो से मैक्सिमम तक, यानी मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 तक जाएंगी, और साथ उसके हमारे पास कॉम्बिनेशन 5C0 यानी एन सी जीरो एन सी वन से लेकर एन सी एन तक जाएंगे। यहाँ 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और 5C5 यानी एन और एन दोनों सेम हो जाएंगे वहां तक जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास कॉस की मैक्सिमम पावर 5 आ जाती है, साइन की 0 जाती है, 5C0 और 5C5 दोनों का आंसर जो होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो उसका आंसर जो है वो यहाँ 1 के इक्वल सपोज हो रहा है। सेकंड है 5C1 5C2 5C1 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस की पावर में एक कम हो जाएगा, और जो सेकंड वाला एओटा साइन थीटा वाली में एक पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर पावर 0 थी उसकी, यहाँ पावर 1 है। नेक्स्ट है 5C2, यहाँ पर हमारे पास कॉस की एक और पावर में डिक्रीज आ जाएगा, और साइन थीटा वाली जो हमारे पास टर्म है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये सारी बायनोमियल एक्सपेंशन आ जाएगी, जो हमने थ्योरम में भी की थी, थ्योरम वाली फॉर्म में भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 5C1 आप कैलकुलेटर पे लिखो, 5 कॉम्बिनेशन का बटन होता है सी, 5C और फिर 1 लिखना है। नेक्स्ट 5C2 लिखोगे, 5C1 का आंसर 5 है, 5C2 का आंसर जो होता है वो 10 होता है, 5C3 का जो आंसर है वो यहाँ पर हम 10 है, 5C4 का आंसर जो होता है वो 5 होता है, और 5C5 का आंसर जो है वो 0, और 5C0 का आंसर भी 0 है। ये सारे आंसर हमने पुट कर दिए, यहाँ पर एक आयोटा था, यहाँ दो आयोटा था, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया, इसको -1 लिख दिया। यहाँ आयोटा क्यूब बन जाना था, आयोटा स्क्वायर -1 और एक आयोटा साथ रह जाता, ये -1 और ये एक आयोटा आ गया। आयोटा 4 है तो 2 टाइम्स आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो -1 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास आयोटा 5 पावर के साथ है, तो 4 वाले अलग कर लेंगे और एक अलग कर लेंगे, 4 पे जो होगा आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 और +1 हो जाएगा, और सिर्फ आयोटा बच जाएगा। ये हमने फॉर्म बना लिया। अब इनमें से ऑल्टरनेटिंग टर्म्स के साथ आयोटा है, और मतलब एक टर्म को छोड़ के एक के साथ आयोटा है, और एक टर्म को छोड़ के एक के साथ आयोटा नहीं है, तो जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है उनको हमने एक साथ कर लेना, और जिनके साथ आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन निकाल के बाकी सबको एक साथ कर लेना। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इस तरह है, 5 कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, यानी कॉस 5 थीटा वो पार्ट के इक्वल है जिसमें आयोटा नहीं है, और साइन 5 थीटा उसके साथ है, उसके इक्वल है जिसमें आयोटा है। तो कॉस 5 थीटा हमारे पास ये फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और साइन 5 थीटा आपके पास उस पार्ट के साथ आ जाएगा जिसमें आयोटा आपके पास मौजूद है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास कॉस 5 थीटा है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा, इसको भी फॉर्मूला निकलेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये साइन स्क्वायर और ये साइन 4 थीटा, बाकी सारा कुछ हमारे पास कॉस में है, तो कॉस वाले को हम कॉस वाली फॉर्म में पूरी चेंज कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वही वाली इनइक्वालिटी हमने लगा के 1 - कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर देना।
साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू रेस पावर थीटा, यानी टू टाइम्स का स्क्वायर ले लेंगे, तो जो वन टाइम स्क्वायर होगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और सेकंड वाला है वो स्क्वायर साथ ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसको ओपन कर लेना, इसको हम खोलेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना, आपके पास आ जाएगा 16 5 कॉस थीटा, और यहाँ से आपके पास यहाँ माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस आपके पास 10 यहाँ पावर 4 आ जाएगी। इस तरह से करते करते आपने सारा ओपन करके यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ओपन करना है, इसको 5 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपके पास जो एड और सब्ट्रैक्ट होता है वो करना है, उसके बाद आपके पास जो टोटल आंसर बचेगा वो 16 कॉस 5 थीटा 16 कॉस 2 रेज पावर 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। इसी तरह जब साइन वाला अलग करोगे तो इसमें कॉस और साइन दोनों मिक्स है, तो हम पूरे फंक्शन को साइन में चेंज करेंगे, यहाँ कॉस 4 थीटा है और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। जिस तरह साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि वो आइडेंटिटी वही है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार में आप वहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे और यहां पर आप उसमें कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, इस यहां जो ऊपर वाला पार्ट हमने किया उसमें हमने साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे आपके पास 4 है तो कॉस स्क्वायर का पुट करने के बाद एक और आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 10 कॉस स्क्वायर थीटा के बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पर आपने सारी जो का प्रोडक्ट है वो आपने एक्सपेंड कर लिया, उसका टोटल आंसर निकालने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी कैंसिल आउट की, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती थी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, और बाद में हमारे पास ये 16 साइन टू रेज पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा ये आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट हमने फाइंड आउट करना है टेन 5 थीटा। अब हमारे पास साइन 5 थीटा भी और कॉस 5 थीटा भी है, अगर साइन थीटा को कॉस थीटा पर डिवाइड करें तो हमारे पास टेन थीटा मिलता है, इसी तरह साइन 5 थीटा को कॉस 5 थीटा पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेन 5 थीटा बनेगा। तो जो हमारे पास कॉस से वैल्यू साइन से वैल्यू आई उसको हमने ऊपर सब्सटीट्यूट कर देना यानी न्यूमिनेटर में, और जो कॉस से आएगी उसको हमने डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सप्रेस कॉस 5 थीटा साइन क्यूब थीटा इन सीरीज ऑफ साइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमने लेना है एक्स लेना है सिस थीटा यानी कॉस थीटा प्लस एयूटा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स जो है वो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो कॉस थीटा माइनस एयूटा साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। जो एक्स होता है वो हमारे पास कॉस थीटा प्लस एयूटा साइन थीटा होता है, तो 1 ओवर एक्स जो निकलता है वो कॉस थीटा माइनस एयूटा साइन थीटा निकलता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा भी था कि 1 ओवर एक्स को हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस एयूटा साइन थीटा, फिर हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जब डिवाइड करते हैं नीचे हमारे पास बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 के इक्वल होता है, ऊपर हमारे पास रह जाता है कॉस थीटा माइनस एयूटा साइन थीटा। ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट भी किया था लास्ट लेक्चर में। तो हमारे पास x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा हमारे पास x माइनस 1 ओवर x के इक्वल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉस 2 रेस पावर 5 निकालनी है और साइन क्यूब निकालना है, तो हम जो कॉस वाली टर्म है उसको हमने 5 पावर ले लेनी है, और साइन की जो टर्म है उसके हमने पावर 3 ले लेनी है। अब राइट हैंड साइड भी इनकी हमारे पास x प्लस 1 ओवर x 2 रेस पावर 5 हो जाएगी, और इसकी जो हो जाएगी x माइनस 1 ओवर x 2 रेस पावर क्यूब। जहां तक हमारे पास होल स्क्वायर वाला होल क्यूब वाला फॉर्मूला तो हमें याद होता है, लेकिन जहाँ पावर 4 या 5 हो जाती है वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहाँ हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से फाइंड आउट करना इजी होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 हर टर्म में आ जाती है, साथ हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर मैक्सिमम से जीरो तक जाती है, और सेकंड वाली की टर्म की पावर जो है वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाती है। यहाँ है 5C0 विच इज इक्वल टू 1, और कैलकुलेटर पे अगर आप कैलकुलेट भी कर लोगे तो 1 के इक्वल आएगा। एक्स की पावर मैक्सिमम जो है 5 है, और 1 ओवर एक्स यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट है 5C1, उसका आंसर कैलकुलेटर पे 5 आ जाएगा। आपके पास इसकी पावर क्या होगी 4, और इसकी पावर जो है वो 1 है, तो 4 और 1 जो है कैंसिल आउट करके 3 रह जाएगा। 5C2 आपके पास 10 आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपके पास एक्स क्यूब, और नीचे आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब को जो एक्स स्क्वायर कैंसिल करेगा तो 1 एक्स रह जाएगा। इस तरह आपके पास नेक्स्ट भी ये टर्म्स आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। अगर आप इसको चाहो तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी खोल सकते हो, 3C0 आ जाएगा, 3C1 आ जाएगी, 3C2 आ जाएगी, और 3C3 वाली टर्म आ जाएगी। जो x है वो मैक्सिमम से मिनिमम पावर तक जाएगी, और जो 1 ओवर x है वो मिनिमम से मैक्सिमम पावर तक जाएगी। और जो आपके पास यहाँ नेगेटिव माइनस का साइन है उससे आपके एक टर्म पॉजिटिव और एक टर्म नेगेटिव आ जाएगी। अदरवाइज का फॉर्मूला भी होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है,
ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हमने टू कॉस थीटा टू रेज पावर फाइव टू आयोटा साइन थीटा टू रेज पावर क्यूब फाइंड आउट कर लिए, इनके आंसर्स हमने निकाले हैं सीरीज वाली फॉर्म में। तो अब इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं यहाँ पर कॉस वाले की और यहाँ पे साइन वाले की। उसके बाद हमने क्या करना है, इनको प्रोडक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्स क्यूब को यहाँ पे हर टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स क्यूब फाइव से किया तो एट बन गई, एक्स क्यूब को फाइव एक्स क्यूब से किया तो फाइव एक्स सिक्स बन गई, एक्स क्यूब को टेन एक्स से किया तो सिक्स फोर बन गया, टेन एक्स फोर बन गया, एक्स क्यूब को टेन ओवर एक्स से किया तो ये टेन एक्स स्क्वायर बन गया, फिर प्लस फाइव आ गया, एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया और ये वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब फिर माइनस थ्री एक्स को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर थ्री एक्स को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस वन ओवर एक्स क्यूब को इन सारे टर्म से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या होगा, जब सिंपल है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जहाँ ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स और ये हमारे पास सिंपलीफाई होकर ये फॉर्म आ जाएगी, पूरी हमारे पास यहाँ तक की फॉर्म आ जाएगी वन ओवर एट। अभी अब यहाँ देखो तो एक्स की टू रेज पावर एट है और यहाँ पर भी एक्स टू रेज पावर एट है, तो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। फाइव एक्स टू रेज पावर सिक्स है, यहाँ फाइव डिवाइड में एक्स टू रेज पावर सिक्स है, फाइव कॉमन लेकर आप फाइव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यह फाइव एक्स सिक्स है और यहाँ पर माइनस थ्री एक्स टू रेज पावर सिक्स है, तो इनको हम पहले ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा टू इंटू एक्स टू रेज पावर सिक्स, यहाँ फाइव डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर सिक्स और यहाँ पर प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर सिक्स। अब इनको भी कंबाइन करेंगे हम तो टू डिवाइड बाई एक्स टू रेज पावर सिक्स आएगा लेकिन माइनस के साथ आएगा। टू कॉमन निकाल के हम एक्स टू रेज पावर सिक्स माइनस वन ओवर एक्स टू रेज पावर सिक्स कर लेंगे। इसी तरह एक्स टू रेज पावर फोर वाली भी हमारे पास यहाँ पे एक ये टर्म है, एक यहाँ पर आपका 15 वाली टर्म है, x टू रेज पावर वाली फोर, एक यहाँ पर 3x टू रेज पावर फोर, इनको आप कंबाइन कर लोगे एक नंबर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपने यहाँ से अगर आप x टू रेज पावर फोर वाला यहाँ से देखो, यहाँ पर आपके पास 4 है डिवीजन में पावर, यहाँ 4 है डिवीजन में पावर, एक यहाँ पर, इनको कंबाइन करोगे तो आपके पास ये माइनस टू कॉमन निकलने से एक्स फोर माइनस वन ओवर एक्स फोर आ जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आपने कंबाइन करके फॉर्म में लिख लेना है। और यही जब हम लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन जो होता है वो हमारे पास होता है टू टाइम्स कॉस एन थीटा होता है, जो पास एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन जो होता है वो होता है आपके पास टू कॉस एन थीटा, और अगर माइनस होगा तो टू आयोटा साइन एन थीटा होता है। एन थीटा अब जब हमने इसको नेगेटिव के साथ होगा, अगर यह पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा तो कॉस की जगह साइन आ जाएगा और एक आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन जो है वो हमारे पास पावर होती है, यहाँ पर अगर एट है तो टू आयोटा साइन एट थीटा आ जाएगा, टू आयोटा साइन सिक्स थीटा आ जाएगा, टू आयोटा साइन फोर थीटा आ जाएगा, टू आयोटा साइन टू थीटा हो जाएगा, पावर के अकॉर्डिंग वो चेंज होता जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास कितनी टूज हैं, टू टू रेज पावर फाइव है और यहाँ पर टू टू रेज पावर थ्री है, फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा टू टू रेज पावर एट, वो टू टू रेज पावर एट दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने से और उसके साथ साथ हमारे पास आयोटा भी आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस वाले आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब है तो आयोटा क्यूब के मतलब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर और आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा तो टोटल जो बन जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, तो यहाँ माइनस आयोटा आके डिवाइड होगा, टू टू रेज पावर एट और माइनस आयोटा डिवाइड होगा, माइनस आयोटा ये डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऊपर से देखें ऊपर वाले टर्म्स में आपके पास क्या क्या कॉमन निकल सकता है, इन सब टर्म्स में से आपके पास आयोटा कॉमन निकल सकता है, वो ऊपर वाला आयोटा जो है वो नीचे वाला आयोटा से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से आपके पास एक टू भी कॉमन निकलता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा वो जो सेवन पावर है टू जो है वो माइनस वन पावर करके सेवन, यानी एक टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास सेवन टू रह जाएंगे, आयोटा ऊपर जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला आयोटा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास जो बचेगा वो है माइनस वन ओवर टू टू रेस पावर सेवन, और बाकी आपके पास ये आंसर जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रूट्स,
nth root of a complex number. Let z be nth root of a complex number a. यानी कोई हमारे पास complex number है a. यानी जो हम लेते हैं a plus iota b या x plus iota y, जो भी है वो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई complex number है, उसकी a है, उसकी अगर हम nth root ले लें तो वो z के एक पर आ जाते हैं, क्योंकि उसकी nth root भी लेंगे तो हमारे पास आंसर एक complex number ही आएगा. तो जैसे दो complex number का सम हमारे पास एक complex number होता है, दो complex number का product हमारे पास एक complex number होता है, उसी तरह अगर एक complex number की हम nth root लेंगे तो वो भी एक complex number होगा, तो उसको हम name देते हैं कि वो z के इक्वल है. अगर complex number हमारे पास जो a था वो r cos theta plus iota sin theta, क्योंकि उसकी complex number की polar form है, x plus iota y भी complex number होता है और ये r cos theta plus iota साइन थीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन ये पोलर फॉर्म में होता है. इसी तरह जो z उसकी रूट निकली है वो हम कह देते हैं कि रो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा आ जाएगा. यानी बस हमने नेम चेंज कर दिए, r को जो था यानी जो हमारे पास मॉडुलस था उसको नेम दे दिया हमने रो है, और जो हमारे पास थीटा था उसको नेम दे दिया हमने अल्फा. डिफरेंट करने के लिए अगर ये नंबर इस फॉर्म में है तो हमारे पास जो रूट है वो भी फॉर्म सेम ही है, लेकिन यहाँ पे r जो है वो चेंज हो जाएगा रो में, यानी नंबर चेंज देंगे. यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 3 था तो यहाँ कुछ और नंबर आ जाएगा, अल्फा जो थीटा था वो कुछ और था, पाई बाय 3 था तो वो कुछ और चेंज हो जाएगा. यानी हमारे पास नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन फॉर्म सेम रहेगी. अब जो जेड एन है, अगर आप देखो जेड जो है वो रूट है nth रूट ए का, तो अगर आप दोनों तरफ एन पावर ले लो तो ये 1 ओवर एन और एन खत्म हो जाएगा, जेड टू रेस पावर एन रह जाएगी. जेड टू रेस पावर एन इज इक्वल टू ए. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमने n पावर ले लेनी है और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a पुट कर देना, जो हमारे पास इस इक्वेशन में z टू रेस पावर n और ये a आ जाएगा. जब हम n लिखते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे जो रो होता है ये r होता है, उस पर तो पावर एज इट इज आ जाती है, लेकिन ये cos थीटा प्लस iota sin थीटा पे डी मोगरस थ्योरम से हमारे पास जो होती है वो पावर अप्लाई होती है, यानी cos n थीटा प्लस iota sin n थीटा विच इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस iota sin थीटा. अब जो हमने इसको सेपरेट करना है, इसको थीटा को हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला फॉर्म होता है ना कि हमने माइनस पाई टू पाई के बीच में ही रहना, तो हम टू के पाई प्लस थीटा ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा जो एंगल है वो उस रेंज से बाहर ना निकले. तो इसके लिए हम टू के पाई ऐड भी कर लेते हैं दोनों तरफ, तो हमारा जो एंगल है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बीच में ही रहेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही आएगा, यानी माइनस पाई टू पाई के दरमियान ही रहेगा. अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. यहाँ पे हमारे पास जो रो एन है वो फॉर्म के अकॉर्डिंग किसके इक्वल है, आर के अकॉर्डिंग, आर के इक्वल है, सॉरी रो एन जो है वो आर के इक्वल है, और हमारे पास एन अल्फा जो है, एन अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, टू के पाई प्लस थीटा, यानी जो कॉस के साथ एंगल है या साइन के साथ एंगल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो है वो टू के पाई प्लस थीटा, उनको हमने कंपेयर कर लिया. अगर हमने रो निकालना है तो हम क्या करेंगे, वन ओवर एन इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ले लेंगे, दूसरी तरफ भी वन ओवर एन टू रेस पावर ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ से एन और वन ओवर एन कैंसिल हो जाएगी, पावर यहाँ वन ओवर एन रह जाएगा. यहाँ से अगर हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा इज इक्वल टू टू के पाई प्लस थीटा डिवाइड बाई एन. एक्चुअली हम क्या करें, एनथ रूट फाइंड आउट करें, और एनथ रूट का जो असल में हमारे पास रिजल्ट है वो रो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के इक्वल है. यानी हम इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं इस फॉर्म में, यानी आर थीटा वाले फॉर्म को हमने, ये जो रो और अल्फा जो है वो हमने आर और थीटा वाली फॉर्म में निकालना है, ताकि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो आर और थीटा वाली फॉर्म में तो हम वैल्यू पुट करके रो और अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकें. तो यहाँ हमने रो को आर की फॉर्म में, यानी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा वाली फॉर्म में हम निकाल सकते हैं, वहाँ से हम आर फाइंड आउट कर लेंगे और थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, आर इधर पुट करेंगे और थीटा इधर पुट करेंगे, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की nth रूट है वो फाइंड आउट हो सकती है. तो हमने लिख लिया हमारे पास r 1 ओवर n cos, यानी रो n, रो n, रो का जो आंसर आपके पास आता है रो cos थीटा या रो cos अल्फा प्लस iota sin अल्फा, ये आपने इसका आंसर निकाल लिया, रो आपके पास था रो cos अल्फा प्लस iota sin अल्फा. ये आपने फॉर्म निकालनी थी, लेकिन फॉर्म आपने निकालनी थी r और थीटा की फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम आर और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं. जब आर और थीटा हम फाइंड आउट कर लेंगे तो अगर हमें रूट फाइंड आउट करनी होगी तो यहाँ पे हम पुट करके कोई भी रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आर वन ओवर एन ये हमारे पास निकल गया, ये एनथ रूट है हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम उसका आर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. और जब हमारे पास होगा तो और रूट हमें तो कोई भी रूट दे, क्यों nth रूट दी हुई हो, उसकी फिफ्थ रूट दी हुई हो, उसकी स्क्वायर रूट दिया हो, उसका क्यूब रूट दिया हो, स्क्वायर रूट होगा तो n 2 हो जाएगा, क्यूब रूट होगा तो 3 हो जाएगा, अगर nth रूट होगा तो n ही रहेगा, तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इस k को जो हमारे पास ये k है वो 0 से लेके n माइनस 1 के लिए डिफाइन कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव से n माइनस 0 से लेके n माइनस 1 तक इसकी वैल्यू हम ले सकते हैं.
ये हमारे पास आ गए, हेंस ऑल एन एनथ रूट, यानी एनथ कितने रूट्स आएंगे, जीरो से लेकर एन माइनस वन टोटल कितने नंबर बनते हैं एन, तो यानी हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एन टाइम्स एनथ रूट्स फाइंड आउट हो सकते हैं, जीरो पर एक एन एक रूट फाइंड होगी, वन पर, तो यानी एन हमारे पास रूट्स फाइंड हो रही है एनथ, तो हेंस ऑल द एन एनथ रूट्स ऑफ अल्फा आर यहाँ पे, यानी हम के की वैल्यूज चेंज करते जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट रूट आती जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो एन एनथ रूट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द एन एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब जो होता है वो होता है वन, यानी वन के हमने एन एनथ रूट फाइंड आउट करने हैं। वन को हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में लिखें तो वन प्लस जीरो ये उठा होता है, और इसको अगर हम पोलर फॉर्म में चेंज कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर और ये थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने इसकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर लेनी है। आर वन के इक्वल है, थीटा की हम कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म में हमने टू के पाई प्लस आयोटा साइन टू के पाई पे आ जाएगा, यानी आप k की जगह वैल्यूज चेंज करते जाओ, k की जगह जीरो रखो, अब वन रखो, टू रखो, इस पे सब पे आपके पास थीटा की वैल्यू यानी आप वो सेटिस्फाई हो जाएगी जो आपके पास वन के जो थीटा हो जाएंगे, यानी वन से जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आता है वो टू के पाई पे सारे आ जाएंगे। अब इस वन की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एनथ रूट, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी वन ले लेना है। अब डी मोवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास आर तो वन है, वन की पावर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वन ओवर एन जो है वो कॉस के साथ थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाती है और साइन थीटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो टू के पाई डिवाइड बाई एन यहाँ पर भी आ जाएगी क्योंकि वन ओवर एन है, तो वो नीचे डिवाइड वाली फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर भी वन ओवर एन मल्टीप्लाई होकर यहाँ डिवाइड में एन आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास एन टाइम रूट है तो के की जगह हमें जीरो वन टू थ्री एन माइनस वन लिखना पड़ेगा, हम जैसे जैसे केस चेंज करते जाएंगे, के को जीरो रखेंगे तो एक रूट आ जाएगी, वन रखेंगे तो दूसरी रूट आ जाएगी, टू रखेंगे तो तीसरी रूट आ जाएगी, एन माइनस वन रखेंगे तो एन एथ रूट आ जाएगी, यानी एन टाइम जो एन वाली रूट है वो आ जाएगी एन एथ रूट। अब ये हमारे पास आ गया, ये के इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, यानी हम के पावर ले लेंगे के, और उस डिफरेंट पावर के लिए हमारे पास के की डिफरेंट पावर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगे। अगर इसको हम ले लेंगे ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा की जगह इसको अगर हम ओमेगा ले लें, जैसे हमारे पास अगर क्यूब रूट्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक रूट को हम क्यूब रूट के, एक तो वन होती है, सेकंड हमारे पास ओमेगा जो हमारे पास होती है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू, और एक होती है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइड बाई टू, एक को हम ओमेगा कह लेते हैं एक को ओमेगा स्क्वायर कह लेते हैं, क्योंकि ये के टाइम्स हैं तो हमें वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जो होता है, अगर थ्री अगर क्यूब रूट होती है तो यानी वन से लेकर ओमेगा स्क्वायर तक, अगर एनथ रूट है तो वन से लेकर ओमेगा एन माइनस वन तक आएगा, तो यहाँ पर के की जगह हम सेपरेट वैल्यू, अगर हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रूट आ जाएगी, वन पुट करेंगे तो सेकंड आ जाएगी, थर्ड पुट करेंगे तो टू पुट करेंगे तो थर्ड रूट आ जाएगी, और जो ओमेगा है वो हमारे पास यहाँ पे कॉस टू पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई एन के ही इक्वल है। नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स फाइव प्लस वन, जैसे एक्स क्यूब प्लस वन हमारे पास क्या होता है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, उसी तरह फाइव अगर होगा तो ये हमारे पास फॉर्मूला इस तरह बनता है, फोर होगा तो हमारे पास एक्स अगर स्क्वायर होता है तो हमारे पास क्या होता है एक्स क्यूब प्लस वन होता है तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्म कितनी टर्म्स हो जाती हैं, एक दो तीन टर्म्स हो जाती हैं, एक्स फोर होगा तो हमारे पास चार टर्म्स आ जाएंगी और एक्स फाइव होगा तो हमारे पास पांच टर्म्स आ जाएंगी एक अल्टरनेट साइन के साथ, यानी हमारे पास एक तो एक्स प्लस वन कॉमन ही रहेगा ना, एक्स प्लस वन क्यूब में भी था, फोर पावर में भी होगा, फाइव पावर में भी होगा, यहाँ पर क्या होगा जैसे एक्स क्यूब होता है तो एक्स स्क्वायर से शुरू होता है, अब यहाँ एक्स फाइव है तो एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस तरह से हमारे पास एक्स फाइव प्लस वन का फॉर्मूला बन जाएगा। आपने यही फाइंड आउट करना है, इसका सोल्यूशन ही फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पर अगर एक्स प्लस वन को आप इक्वल टू जीरो रखो तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, माइनस वन आ जाता है, ये रूट तो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल रही है एक्स फाइव की, एक्स फाइव से हमारे पास कितनी रूट्स आनी चाहिए, पांच रूट्स आनी चाहिए क्योंकि पावर जो है इसकी फाइव है, तो एक रूट तो हमारे पास यहाँ से माइनस वन आ गई, दूसरी रूट हमारे पास कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से आएगी, और एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन ही यही है कि हमने इसकी रूट फाइंड आउट करनी है, तो अगर हम एक्स फाइव प्लस वन की रूट्स फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास माइनस वन तो होगी वो इसका आ जाएगा, बाकी जो चार रूट्स फाइंड आउट होंगे वो इसी का सोल्यूशन होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्टली एक्स फाइव प्लस वन को सॉल्व करेंगे और माइनस वन को छोड़ के जितनी भी सारी रूट्स होंगी वो हमारे पास इसी इक्वेशन की रूट्स होंगे। अब एक्स फाइव प्लस वन को हम देख सकते हैं एक्स फाइव इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का मतलब क्या है माइनस वन प्लस आयोटा, यानी एक्स हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
एक्स हमारे पास आ जाएगा, माइनस वन, और जो वाई है अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में देखें तो वाई हमारे पास जीरो आ जाएगा। वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और जो आपके पास ये जो पाई होता है, यानी आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू जीरो तब होती है जब आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास नेगेटिव पाई पे जीरो होता है। जो ऊपर वाला हमारे पास क्वेश्चन था ना, उसमें हमारे पास क्या बनती थी, जीरो, यानी एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, और टेन थीटा का आंसर जीरो बाय वन, यानी वाई वाई जीरो था तो टोटल जीरो हो जाता है। टेन जीरो हमारे पास कहाँ पे होता है, टेन जीरो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन जीरो कहाँ होता है, जीरो पर होता है, जीरो हमारे पास आ जाएगा। और टू के पाई वो हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला टू के पाई प्लस थीटा जो है वो जीरो के इक्वल है, क्योंकि टेन थीटा टेन इनवर्स जीरो जो होता है अगर आप कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करो तो जीरो आएगा। लेकिन आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें आपके पास होता है टू के पाई प्लस थीटा, और थीटा आपके पास जीरो है तो यहाँ पे सिर्फ टू के पाई रह जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इससे जीरो एंगल आया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, जीरो और आपके पास एक्स क्या है माइनस वन, लेकिन आप जब टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स निकालोगे तब भी आपके पास जीरो ही बनेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन जीरो कहाँ पे होता है, पाई पर होता है, यानी मैंने आपको बताया ना पाई और उसके मल्टीपल्स पे आपके पास जीरो जीरो आता जाएगा टेन। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जीरो पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर निकलता आपके पास, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन आपके पास जीरो नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन जीरो आएगा पाई पर, पाई पर आपके पास आ जाएगा। और आपने ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला टू के पाई साथ ऐड कर देना, कॉस टू के पाई प्लस एटा टू के पाई प्लस पाई, और जो आपके पास आर निकलेगा यहाँ पर भी वन निकलेगा इसलिए वो बाहर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसका आंसर जो है वो वन के इक्वल है। अब हमने इसकी रूट फाइंड आउट करनी है, रूट फाइंड आउट करने के लिए फिफ्थ रूट, क्योंकि हमारे पास फिफ्थ फाइव है तो हमने फिफ्थ रूट फाइंड आउट करनी है। एक्स का आंसर निकाला तो हमें फाइव फिफ्थ रूट फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करेंगे, वन ओवर फाइव पावर ले लेंगे। अब जो वन ओवर फाइव जिस तरह हमने यहाँ पर लिया था वन ओवर एन पावर, इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस वन की पावर वन ओवर फाइव ले लेंगे। तो ये यहाँ पर भी वन ओवर फाइव आ जाएगा होल की पावर, इसके इसके पर भी वन ओवर फाइव होल पावर आ जाएगी। जो हमारे पास डिमोग्रस थ्योरम होता है उसमें पावर होती है वो थीटा के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी वन ओवर फाइव इस कॉस के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा टू के पाई प्लस फाइव डिवाइड बाई फाइव, और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब अगर आप अब आपके पास एन माइनस वन तक होता है, अगर एन फाइव है तो एन माइनस वन क्या होगा, फोर तक होगा, जीरो वन टू थ्री और ये फोर तक। तो जीरो रखेंगे तो हमारे पास पाई बाई फाइव आ जाएगा, वन रखेंगे तो थ्री पाई बाई फाइव आ जाएगा, टू रखेंगे तो सेवन पाई बाई फाइव आ जाएगा, और फोर रखेंगे तो नाइन पाई बाई फाइव आ जाएगा। ये पाई बाय फाइव और थ्री पाई बाय फाइव जो है, क्योंकि वन को फाइव पे डिवाइड करें तो जीरो पॉइंट समथिंग आता है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में रहता है। थ्री बाय फाइव को भी जीरो पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी माइनस पाई टू पाई के दरमियान में रहेगा। सेवन पाई बाय फाइव जो होगा वो वन से बड़ा नंबर आएगा, यानी वो पाई से बाहर आ जाएगा। इसी तरह नाइन को अगर फाइव पे डिवाइड करो तो आपके पास नंबर बड़ा आएगा, वन यानी पाई से बड़ा नंबर आ जाएगा, वन पॉइंट या टू पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये भी आपके पास टू पॉइंट नहीं आएगा, वन पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, और वो वन पाई का मतलब क्या है, वन पाई, माइनस पाई का मतलब क्या है, माइनस वन पाई, माइनस वन पाई और वन पाई के दरमियान होना चाहिए, लेकिन ये वन पॉइंट समथिंग बन जाएगा तो ये भी रेंज से बाहर चला जाएगा, इसलिए इसको हमने माइनस पाई और पाई के बीच में रखना है। तो अगर आप सेवन पाई बाय फाइव को देखो तो हम उसे लिख सकते हैं टू पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव, यानी अगर आप देखो तो टेन पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव आ जाता है, यानी उसी फॉर्म में। यहाँ पर जो आपके पास रूट्स निकलेंगी वो आपके पास पहले से फाइंड आउट रूट्स में की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे अगर आप देखो तो ये थ्री पाई बाय फाइव में से अगर आपने टू पाई को माइनस कर दिया तो आपके पास सेवन पाई बाय फाइव बन जाता। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला फॉर्मूला। अगर आप कॉस अल्फा माइनस बीटा खोलो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा खोलो तो आपके पास कॉस थ्री पाई बाय फाइव आएगा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तब भी आपके पास ये आ जाएगा। यानी आपके पास सेम वही रूट बन जाएगी ऊपर से जो मौजूद है, लेकिन अब जो पहले प्लस में था वो आप माइनस में आ जाएगा। इसी तरह नाइन पाई बाय फाइव अगर आप देखो तो टू पाई बाय फाइव माइनस पाई बाय फाइव की फॉर्म में आप लिख सकते हो, क्योंकि ये टेन पाई बन जाएगा और माइनस पाई जो होता है वो नाइन पाई के एक पर आ जाएगा। फाइव टू द टेन और माइनस वन है, नाइन पाई बाय फाइव बन जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी टू पाई ऐड कर इसमें एंगल में, एंगल टू पाई से एंगल माइनस करने से आपके पास वापस
9 पाई बाय 5 ही बन जाता है। फिर उसको हम वापस कॉस अल्फा माइनस बीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस पाई बाय 5 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 5। अब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख लेते हैं, कॉस पाई बाय 5 एक दफा प्लस आयोटा के साथ है, एक दफा माइनस आयोटा के साथ है, दो रूट्स यहाँ से आ गई। कॉस 3 पाई बाय 5 एक दफा प्लस आयोटा के साथ है, एक दफा माइनस आयोटा के साथ है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसकी जो रूट्स थी हमारे पास एक माइनस वन थी और चार रूट्स ही आ गई। माइनस वन तो हमें नहीं जरूरत थी, हमें इसकी चार रूट्स की जरूरत थी, और इसके जो चार रूट्स हैं वो हमारे पास ये नीचे फाइंड आउट हो गई, ये वाली कॉस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 5, कॉस 3 पाई बाय 5 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा साइन 3 पाई बाय 5। तो आज के लिए हमारे पास यही था लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर